झारखंड बंगाल से कुछ नई ट्रेनों की शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वीडियो अपडेट में आज से चलने वाली और आगे के तारीखों में चलने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बिहार झारखंड के अलावे बंगाल से कई नई ट्रेनों की शुरुआत आज से होने जा रही है। इंडियन रेलवे हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस के साथ साथ अन्य ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की कवायद तेज कर दिया। इसके अलावा इस ट्रेन का नंबर भी अब बदल गया है। हावड़ा से जोधपुर जाने वाली ट्रेन संख्या अब 02385 के साथ चलेगी तथा हावड़ा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन 02387 के साथ चलेगी। गुरुवार से यह बड़ा बदलाव हो चुका है और थर्ड एसी में अतिरिक्त भीड़ न हो इस कारण इसमें एक कोच अतिरिक्त लगाया गया है। अस्थायी रूप से यह कोच लगा रहेगा, इससे यात्रियों को सफर करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। 9 अक्टूबर से नंदन कानन पूर्वा एक्सप्रेस का फेरा बढ़ने वाला है और नई दिल्ली जाने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस के फेरे बढ़ा दिए हैं और इसमें सुविधाओं में भी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। पूर्वा एक्सप्रेस अब पहले की तरह हफ्ते में 3 दिन चलेगी और नई दिल्ली से यह ट्रेन 6 अक्टूबर और हावड़ा से यह ट्रेन 7 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही पूरी नई दिल्ली नंदन कानन एक्सप्रेस और पूरी नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस को चलाने की भी मंजूरी रेलवे बोर्ड की ओर से मिल गई है। 7 अक्टूबर से ये सब ट्रेन भी चलने की बात कही जा रही है और पूरी आनंद विहार नंदन कानन एक्सप्रेस 7 अक्टूबर से चलेगी। वापसी में यह ट्रेन आनंद विहार से इस ट्रेन का परिचालन 10 अक्टूबर से होगा। वहीं पूरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस 9 अक्टूबर से चलेगी। वापसी में इस ट्रेन को उसी दिन चलाया जाएगा। इन सभी ट्रेनों के अलावे कुछ और भी नई ट्रेनों को खोला जाएगा बिहार झारखंड और बंगाल से, जिससे फेस्टिवल के दौरान कोई भी यात्रियों को सफर करने में परेशानी ना हो और रेलवे उन रूटों पर ट्रेन ज़्यादा चला रही है जिनमें बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशन के साथ साथ धनबाद रांची जो कि झारखंड के महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में से शामिल है। उन सभी ट्रेनों का संचालन जल्द देखने को मिलेगा जो कि सीधे बिहार बंगाल और झारखंड को जोड़ती है। आगे भी आपको इन तीनों राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन मिलेगी, उसका अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।